1.0 अपडेट के बाद केरांगा वीडियो पॉइंट वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो केरा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो केरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले आपको जो एक पबजी मोबाइल ने पोस्ट की थी तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारा जो 1.0 अपडेट है तो उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको ये 30% हायर FPS देखने को मिलेगा और 75% लैग है, 76% जो लैग है वो रिड्यूस होगा लो एंड और यहाँ पे मिड रेंज फोन्स के लिए। तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसके नीचे एक काफी अजीब सी बात आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो जो यहाँ पे पबजी मोबाइल का ऑफिशियल रिप्लाई है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस डोंट एक्सपेक्ट मोर फॉर लो स्पेसिफिकेशंस। तो इन्होंने खुद ही कह दिया कि आप यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे होप मत करना कि अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो कुछ ज्यादा ही आपके डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में, और जो पबजी मोबाइल इतना भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो आज की वीडियो में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो 3GB रैम का फोन है तो उसमें यहाँ पे जो पबजी मोबाइल का बीटा वर्जन है रैंगल टू, उसमें रैंगल टू पेंटो को खेलेंगे और उसी से आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपके पास अगर 2GB का डिवाइस है या 1GB का डिवाइस है तो उसमें एग्जैक्टली जो 1.0 के अपडेट के बाद जो हमारा गेम है वो कैसे वर्क करेगा, आपके कितनी जो फ्रेम ड्रॉप्स या फिर कितनी आपको लैग में इसको रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो फटाफट यहाँ पे मैं ज्वाइन करता हूँ अपने दूसरे डिवाइस से। तो आ चुका है दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं लॉबी में ही हूँ और लॉबी भी यहाँ पे काफी बेकार सी लग रही है मुझे तो। और यहाँ पे अगर मैं मूव करूँ तो जैसे यहाँ पे मैं मूव करता हूँ आप देख सकते हो जो मैं आपको यहाँ पे दूसरी लॉबी में जाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा सेकंड्स लगेंगे और यहाँ पे जो एनिमेशन है वो भी काफी बेकार सी लग रही है इस डिवाइस में तो। लेकिन अगर यहाँ पे अपने मैं दूसरे जो डिवाइस है उस पर खेलूंगा तो यहाँ पे काफी कम सेकंड्स में या फिर कुछ 0.1 सेकंड में ये दूसरी स्क्रीन पर चला जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 2-3 सेकंड लग रहे हैं दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए और जो एनिमेशन है वो भी काफी स्मूथ नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे फटाफट आपको मैं यहाँ पे अपने डिवाइस के दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो मेरी सेटिंग्स में जो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स है वो भी मैं सिर्फ यहाँ पे स्मूथ और लो पे ही खेलूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इस डिवाइस में सिर्फ मैक्सिमम बैलेंस्ड और उसके बाद मीडियम तक जा सकता हूँ, बाकी इसके बाद इस डिवाइस की औकात नहीं आगे जाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सभी स्मूथ और लो में सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ रैंगल 2.0 में यहाँ पे मैच ज्वाइन करने के बाद ही। तो आ चुके हैं लॉबी में और यहाँ पे अगर मैं अपना प्रोन बनाऊँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको जो ड्रॉप्स है वो देखने को नहीं मिल रहे, कुछ ज्यादा यहाँ पे लैग नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्काई है तो एटलीस्ट स्काई भी यहाँ पे जो स्मूथ प्लेयर्स के लिए कुछ इम्प्रूव है, आपको लगता है कि जो लाइटनिंग अगर आप स्मूथ में खेलते हो तब भी देखने को मिलेगा डिफरेंस जो स्काई में है पहले और आपके मुकाबले। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जा रहा है क्वारी और नोवो से, तो मैं आपको यहाँ पे क्वारी में दिखाता हूँ कि आप देख पाओगे कि जो क्वारी में भी क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलते हो। और रास्ते में हम देखेंगे कि प्लेन में भी क्या जो लैग पहले होता था इस डिवाइस पे तो मेरा होता था पहले, तो वो क्या सही हुआ या नहीं हुआ तो देखते हैं। तो सीरीज अगर आपने यहाँ पे देखा और नोटिस किया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि जो प्लेन है वो थोड़ा सा आगे जाता है और पीछे जाता है, तो थोड़े से आपको यहाँ पे जो फ्रेम ड्रॉप्स है वो प्लेन में भी अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमारे जो प्लेन से एग्जिट करते वक्त लैग होता है या नहीं होता। तो ये तो ठीक ठाक था, कुछ ज्यादा लैग हुआ ही नहीं बल्कि। तो देखते हैं पैराशूटिंग अब तक सही जा रही है और नीचे चल के देखते हैं क्वारी में क्या हमारा जो अब तक ये पैराशूटिंग है ठीक चलती है। तो अब तक मुझे यहाँ पे कुछ भी लैग देखने को नहीं मिला पैराशूटिंग के वक्त। तो आया फ्रेम ड्रॉप हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, आपने अगर लैग फील किया आपको दिखा होगा स्क्रीन में। ओ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़ा हमारा जो लैग है वो पैराशूटिंग के वक्त अभी भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इन्होंने इम्प्रूव किया 1.0 के अपडेट में। बाकी यहाँ पे लैंडिंग तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, उसके लैंडिंग के वक्त आपको एक माइनर सा फ्रेम ड्रॉप दिखा होगा, तो ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। ओ काफी देर बाद एंडर हुआ ट्रक। तो फटाफट एक यहाँ पे मैं कुछ उठा भी लेता हूँ, ये रेड डॉट पेन किलर्स गन मिल जाए बस, तो आपको एक बार शूट करके भी दिखा देता हूँ, फिर हम ट्राई करते हैं कि शूटिंग के वक्त अगर आपको यहाँ पे कुछ लैग में दिक्कत होती है या नहीं। और थोड़ी देर बाद आपको मैं यहाँ पे जो गेम है बैलेंस पे दिखाऊंगा कि बैलेंस में जो डिवाइस है वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो जस्ट एक बार उठा लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सामने वेयर हाउस है, ग्राफिक्स देख सकते हो काफी फीके फीके से ग्राफिक्स है जो हमें स्मूथ में देखने को मिल रहा है रैंगल 2.0 के। बाकी ट्रीज में भी थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल रहा है, बोट आ गया तो कहाँ पे आइए बोरा, तो इसको एक बार मार के देखते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा यहाँ पे लैग नहीं हो रहा, मैं मूव काफी फ्रीली कर पा रहा हूँ आप देख सकते हो, और ये मेरे ख्याल से थोड़े से मेरे को इसमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है जो बटन है काफी, मैं छोटा सा डिवाइस है जिसमें मैं खेल रहा हूँ अभी तो काफी छोटा सा डिवाइस है। तो फटाफट भी आप इसकी भी गन्स उठा लेते हैं, एक ओवर बोट आ चुका है। तो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो
तो एटलीस्ट यहाँ पे मुझे शूटिंग के वक्त आप देख सकते हो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स पे आप रश करो तो उस टाइम जो सर्वर पे यहाँ पे लोड पड़ेगा और उसको यहाँ पे रेंडर करने के लिए और जो अपना डाटा भेजने के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग चाहिए होगी और उस टाइम आप शायद लैग फेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बीटा में अभी तक मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है शूटिंग करने के वक्त। तो यहाँ पे फटाफट इसकी भी गन्स उड़ा लेते हैं कुछ और फिर आपको मैं यहाँ पे व्हीकल में भी दिखाता हूँ, व्हीकल ड्राइव करके देखते हैं क्या हमें व्हीकल के टाइम ड्राइव करने पर लैग कुछ फील होता है या नहीं। तो चलते हैं फटाफट बाहर क्वारी से निकलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टोन्स हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत हैं इनकी जो मेरे ख्याल से ऐड किए गए ये नए नए और ये काफी अच्छी एडिशन है जो स्टेयर्स की है। तो काफी आसानी से आप इस जो हमारे क्वारी से बाहर जा सकते हो इसको यूज करके। तो फटाफट एक बार चलते हैं ऊपर ही। तो एक बार आपको मैं यहाँ पे जाने से पहले टॉप से भी दिखाता हूँ कि क्वारी एग्जैक्टली आपको कैसे दिखेगा अगर आप यहाँ पे इसको 3G में रैम या फिर जो अपने लो एंड डिवाइस में खेलते हो। तो देख सकते हो काफी मतलब यहाँ पे कलरलेस सा मुझे लग रहा है जो क्वारी पूरा है, काफी स्टोन्स अजीब अजीब से लग रहे हैं। तो मैं तो काफी टाइम के बाद खेल रहा हूँ इस मोबाइल में तो काफी अजीब लग रहा है मुझे तो एटलीस्ट। तो इसके बाद यहाँ पे आप शैक देख सकते हो जो चेंज हो चुके टावर एक्चुअली। तो फटाफट एक बार यहाँ निकलते हैं तो सामने भी देख सकते हो मेरे ख्याल से जो डेंडर यहाँ पे डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है, काफी दूर तक यहाँ पे एनिमी को देख सकते हो। और मेरे ख्याल से मैं पहले इस डिवाइस में खेलता था तो एटलीस्ट जो स्मूथ और लो फ्रेम रेट में भी यहाँ पे जो है मैं स्कोप को मूव करता था तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लैग देखने को मिलता था, मेरे ख्याल से वो अब फिक्स हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे फटाफट आप देख सकते हो यहाँ पे आप एकदम यहाँ पे बैड प्रोन होके शूट भी कर सकते हो। तो इसमें भी आपको जो एनिमेशन है कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा फर्क, वो पहले की जैसी लग रही है ये भी। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो ग्राफिक्स को बैलेंस्ड और यहाँ पे अपना जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है उस पर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो उसी के वक्त ही हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे थोड़ी सेकंड के लिए रुक गई थी। तो आप जो लैग है उसको फील कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ तो देख सकते हो जो आपके फ्रेम ड्रॉप्स हैं आपको काफी सारा यहाँ पे जो लैग है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम प्रोन में होंगे तो एनिमेशन काफी यहाँ पे डिफरेंट हो चुका है, जो हमारा इसका मिनिमम जो ग्राफिक्स पॉसिबल थे उसमें इसको ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें आप देख सकते हो काफी बेकार ही हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे अपना जो वापस हम ले लेते हैं उसको स्मूथ और एक बार मीडियम पे भी देख लेते हैं। तो मीडियम पे मेरे ख्याल से स्मूथ जैसे दिख रहा है, कुछ ज्यादा आपको लैग नहीं देखने को मिल रहा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट यहाँ पे आप स्मूथ से मैं इस डिवाइस में मीडियम जो फ्रेम रेट है उस पर खेल सकता हूँ। पहले जो डिवाइस है वो मेरे ख्याल से स्मूथ पे वर्क करता था। तो एक बार यहाँ पे इसे किल करते हैं तो यहाँ पे पीक करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे ही वर्क कर रहा है। तो किल हो चुका है। तो एक बार फटाफट यहाँ पे व्हीकल में चलते हैं तो देख सकते हो व्हीकल में भी कुछ यहाँ पे ठीक ठाक ही जा रहा हमारा व्हीकल अभी तक। बाकी जो आपको बताया था मैंने अगर रश करोगे तो रेंडरिंग करने में उसको काफी दिक्कत आएगी, काफी सारे प्लेयर्स को जो सर्वर को रेंडर करना पड़ेगा और बीटा में यहाँ पे काफी कम ही जो रियल प्लेयर्स है होते हैं तो नॉर्मली आपको बॉट्स ही मिलेंगे। तो देख सकते हो एक बार यहाँ पे आपको मैं ग्रास में प्रोन होकर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो अगर यहाँ पे आप प्रोन होते हो तो एनिमी स्पॉट करना पहले के मुकाबले वैसा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजिली आप स्पॉट कर सकते हो एनिमी अगर आपके आसपास होंगे। चलते हैं एक बार फिर से आपको व्हीकल पे और फिर आपको मैं यहाँ पे एक बार वाटर में दिखा देता हूँ कि जो स्मूथ ग्राफिक्स में जो वाटर है वो कैसा होगा और देखते हैं अगर वाटर में यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे स्मूथ में, मैंने अभी कभी देखा नहीं इस डिवाइस में। तो एटलीस्ट जो तुम्हारा व्हीकल का टेस्ट है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा लैग तो देखने को नहीं मिल रहा बीटा में। तो आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सामने आपको जो वाटर दिख रहा है तो वाटर भी जो स्मूथ ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसकी जो यहाँ पे जो हमारा बीच टाइप का साइड होती है तो कुछ ये भी चेंज हुई है, आपको काफी वाइट वाइट से देखने को मिल रही है। तो शूटिंग करते वक्त जो इफेक्ट है वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो इफेक्ट है वाटर के तो वो भी आपको थोड़े से स्मूथ में चेंज देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पे अपनी बोट को ड्राइव करो। तो यहाँ पे फ्रेंड बाहर निकलते हैं ब्रिज से और जो ब्रिज है वो भी चेंज हुआ है। तो देख सकते हो टेक्सचर्स है उसके जो मॉडल्स है थोड़े बहुत बिल्डिंग्स के वो चेंज किए, बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज और है नहीं।